हंसते हंसते इस देश को अपनी कुर्बानी और अपनी आहुति दे गए सिर्फ और एक झंडे के लिए। तो यह उनकी बदनामी होती है, उनकी सोच की, और जो इस देश को मतलब क्या कहते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि इस देश को जो बढ़ाने की बात करते हैं, इस देश को जो मतलब नीचे से लेकर उठाने की बात करते हैं, और हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी इस बातों को मतलब कई उन्होंने तो कई वीडियो बना रखे हैं, संदेश देते हैं अपनी मन की बात को। और मैं एक सभी से कहना चाहूँगा कि जो बात करते हैं बहुत ही सटीक और स्वच्छ और एक मतलब कह सकते हैं पारदर्शिता वाली बात करते हैं, जो कि हर देश के इस देश के और कह सकते हैं कि हर देश के नागरिकों को समझना चाहिए। अपने देश के प्रति एक जिम्मेदारी हम लोगों में उत्पन्न होनी चाहिए कि कैसे हम इस देश के लिए और मतलब और इस देश की जनता के लिए, इस देश के छोटे वर्ग के लिए कार्य कर सके और उनको खुश कर सके। और ऐसा कई जगह देखा भी गया है, जैसे बड़े बड़े जो नेता हैं मतलब उनको हम कह सकते हैं कि अच्छा कार्य कर रहे हैं इसको लेकर, लेकिन जो कुछ अराजक लोग हैं, जो भारत देश ही नहीं विदेशों में भी हमने देखा है, आप लोगों ने भी पढ़ा है कि पिछले जो जितने भी क्रांतियां हुई हैं उनमें मतलब एक पहले के लोगों में जब देश गुलाम था तो हमारा यह कहना है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ़ और सिर्फ अपने मतलब के लिए क्रांति चाहता था, और कोई ये नहीं चाहता था कि हमारा देश आज़ाद हो, हमारे लोगों को आज़ादी मिले, खुली हवा में हम अच्छी तरह सांस ले सकें, और हमारा अधिकार और हमारा जज्बात मुकम्मल हो। यह कोई नहीं चाहता, सिर्फ और सिर्फ वो अपने मतलब के बातों के लिए सिर्फ वो आज़ादी चाहते थे। तो मैं यही कहना चाहूँगा, यह शायद वीडियो लंबा जा रहा है, तो मेरा बस आप सभी से एक यही अपील है कि आप अगर गणतंत्र दिवस के बाद या पहले या फिर किसी समय भी झंडे को नीचे पाते हैं तो आप उसे उठाइए और अपने दिल से लगाइए, क्योंकि यह झंडा एक राष्ट्र प्रेमियों का एक निशानी है, राष्ट्रहित के लिए जो कार्य कर रहे हैं उनका एक निशानी है, और उनका ही नहीं, आप सभी का निशानी है, आप सभी देशवासियों का निशानी है। तो मैं अब आपने मेरी बातों को इतने समय निकाल कर सुना, इसके लिए मैं आप सभी को